दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल विज वॉश गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग SM फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं सुबान कुरैशी। और मैं हूं मोहम्मद हैदरजा। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। जनूबी पंजाब के लिए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के हेल्प डेस्क का इफ्तिताह कर दिया गया। नुमाइंदा मक्स न्यूज के मुताबिक हेल्प डेस्क का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब के मावन खसूसी और चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर अलियास खान के हमरा मुल्तान ऐवान तिजारत और सनत के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन समेत जनूबी पंजाब के 8 चैम्बर्स के सदूर ने डिजिटल स्क्रीन पर हैंड स्कैन करते हुए किया। इस मौके पर PBIT के सहूलत डेस्क के क्याम के लिए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड और ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान के दरमियान MOU साइन हुआ। CEO PBIT अरफा इकबाल और ऐवान तिजारत और सनत मुल्तान के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन PBIT सरदार तनवीर अलियास खान ने तकरीब से खताब करते हुए कहा कि हुकूमत जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने वसाइल मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल में ला रही है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी का रुख मुल्तान की तरफ मोड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला के विजन के मुताबिक खत्ते की तरक्की हमारी तरजीह है। शेख साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि आप हेल्प डेस्क कायम करें मुल्तान चैम्बर के अंदर, तो मुल्तान चैम्बर के प्रेसिडेंट भी उसमें हमारे साथ थे मीटिंग में, ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी साहब भी थे, तो माशाल्लाह इन लोगों ने भी उसको सेकंड किया, तो हमने वहाँ पे ये डिसीजन किया कि इंशाल्लाह वहाँ पे हेल्प डेस्क कायम करेंगे। लेकिन ये आज जो हेल्प डेस्क आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेप लिया है कि हमने साउथ का सेक्रेटरीट कायम कर लिया है, फ्यूचर में शायद आपको कोई इससे हेल्प डेस्क से बड़ा पंजाब बोर्ड यहाँ पर नज़र आए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि PBIT का हेल्प डेस्क जनूबी पंजाब के लिए बहुत बड़ा कदम है। हुकूमत ने जनूबी पंजाब को एक शनाख्त दी है। मारूफ सनतकार व डायरेक्टर सरमायाकारी बोर्ड पंजाब और शमा बनस्पति एंड कुकिंग ऑयल बनाने वाले इदारे हफीज घी मिल के CEO शेख अहसन रशीद ने PBIT के हेल्प डेस्क के क्याम पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार, चेयरमैन PBIT सरदार तनवीर इलियास, मारूफ सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि PBIT का डेस्क जनूबी पंजाब के लिए एक नेमत है। डेस्क के क्याम से मकामी, मुल्की और आलमी सरमायाकारी में इजाफा होगा, जबकि सहूलियात फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। खासकर जनूबी पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी को तवानाई, टेक्सटाइल, ज़राअत और सियाहत के शोबों में मौजूदा मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वक्त आन पहुँचा है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम चैम्बर्स और सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले तमाम तबकात आगे आएं और इलाकाई तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि CPEC के हवाले से भी मुल्तान ही मरकज बनता है। हम एक ऐसे ऑफिस को मुल्तान में ले आए हैं जो कि बेसिकली लाहौर से ऑपरेट करता था, और अगर किसी बिजनेस कम्युनिटी के हमारे लोगों को कोई इशूज आते थे तो हमें लाहौर जाना था। इंशाल्लाह ताला आज के बाद ये तमाम मसाइल यहाँ मुल्तान में हल हो जाएंगे। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो देना चाहूँगा वो सरदार तनवीर इलियास साहब को देना चाहूँगा। मुझे लास्ट ईयर ही इन्होंने बोर्ड के अंदर इंडक्ट किया, और मैंने पहली मीटिंग जब बोर्ड की अटेंड की तो मैंने तनवीर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर एक मुल्तान का डेस्क बनाया जाए। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, उन्होंने शुरू कर दीजन के साथ इस इलाके के साथ इनकी मोहब्बत का सबूत है, और अलहम्दुलिल्लाह ये आते रहते हैं, और माशाल्लाह इनकी एबल लीडरशिप में पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो कि पहले बैंक समझता जब तक इसकी सेक्शन हुई है उसने ये दी है। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और फैसिलिटेशन में अब तो इसको इंटरनेशनली भी रिकगनाइज किया गया है, और ये सारा कुछ सरदार तनवीर इलियास साहब और उनकी एबल टीम है, और ज़्यादा बेहतर। साउथ पंजाब की तो जो इस वक्त इम्पोर्टेंस है उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन स्पेशली विद रिगार्ड्स क्योंकि सी पैक के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में से चल रहे हैं, तो सी पैक के लिए भी जो मुल्तान है वो बड़ी सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने सी रूट्स लेने हैं तो गवादर और कराची भी यहाँ से लगता है, और अगर आपने सेंट्रल एशिया को के रोड रूट्स लेने हैं तो भी मुल्तान जो है और ये साउथ पंजाब है ये बड़ा की रोल प्ले करने लगा है, कर रहा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी करता रहेगा। मारूफ सनतकार और सदर डेरा आज़ी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी ने कहा है कि शेख अहसन रशीद ने PBIT के हेल्प डेस्क की तजवीज़ दी जिसको फौरी तौर पर मंजूर किया गया। जनूबी पंजाब अब सूबा बनने जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। मुल्तान जुग्राफियाई तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल है, मुल्तान की इंडस्ट्रियल इस्टेट में जगह मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुजफ्फरगढ़ में कायम होने वाली इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम किया जाए। तकरीब से CCO PBIT अरफा इकबाल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने भी खताब किया। तकरीब में सैयद इफ्तखार अली शाह, मियाँ शफी अनीस शेख, ख्वाजा मोहम्मद यूसफ, मियाँ फजल इलाही शेख, ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चौधरी, अल्ताफ शाहिद, फहीम सत्तार, राबिया शहजाद, शाजिया हाशमी, अजहर बलोच, तलत जावेद, मोहम्मद शफीक, आफरीन खान, सैयद मुफाज अहसन भी मौजूद थे। सैनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। कागजात नामजदगी 13 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे और नामजद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को आवेदा की जाएगी। सैनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली में 3 मार्च को मुनक्किद होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सैनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की लिस्ट पर मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से हफीज शेख और फौजिया अरशद तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी। पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल है। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा से 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने का फैसला किया है। जनरल नशिस्तों के लिए सूबाई अमीर मौलाना ताऊर रहमान, तारिक खटक और हाजी जुबैर अली के कागजात जमा कराए गए। खवातीन की नशिस्त के लिए MPA नईमा किश्वर, जबकि अकलियती नशिस्त पर MPA सरदार रंजीत सिंह उम्मीदवार होंगे। PDM का सूबाई सरबराही इजलास 15 फरवरी को होगा जिसमें मुतफिका उम्मीदवारों का फैसला भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कामिल अली आगा ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड ने भी उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी है और आइंदा मुद्दत के लिए भी शीरी रहमान और सलीम मांडवी वाला के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। करीम ख्वाजा और ताज हैदर टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कागजात जमा करवाएंगे। खैरुन्निसा मुगल, पलवशा खान खवातीन नशिस्तों पर, जबकि सादिक अली मेमन और जाम महताब डहर जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख को टिकट नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से राजा अजीमुल हक को नामजद किया है। बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। 3 दिन में तीसरी मरतबा बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 1.95 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी, जिसके नतीजे में बिजली का औसत टैरिफ 14.38 रुपये से बढ़कर 16.33 रुपये फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि इस फैसले का इतलाक 50 यूनिट तक वाले गरीब सारिफीन पर भी यकसा तौर पर होगा। नेप्रा ने कहा कि कीमत में इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर दी गई है। इस फैसले से सारिफीन पर 200 अरब रुपये का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते बल्कि तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर के जिलानी पार्क में मेवाकी जंगल मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का सोचती हैं ताकि इस मंसूबे के इश्तहारात देकर अगले इलेक्शन में जीत सकें। इमरान खान ने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में 12 क्लाइमेट जोन नहीं,
लेकिन हमारे यहाँ में 12 मौसम है। मुल्क भर में शजरकारी का सीजन शुरू हो चुका है और जैतून के जंगलात का खामोश इनकलाब आने वाला है। सारी कौम को इसमें शिरकत करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग से 4 जवान शहीद हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए। शोदा में लास्ट नाइक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड 1-19 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को भी कहा है कि हमारी हिदायत पर अमल की कोशिश करें। शेख रशीद ने कहा कि पिम्स के डॉक्टर के साथ और TLP के साथ मामलात का तय पाना खुश आइंद है। PDM ने पूरी कोशिश की कि वो सरकारी मुलाजमीन को मुश्तिल कर सके, लेकिन हुकूमत ने वक्त इकदाम उठाते हुए इसे नाकाम बना दिया। सूबाई वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से बहावलपुर एयरपोर्ट पर मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक डॉक्टर अख्तर मलिक ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की हिदायत पर वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की और इनके नए ख्वाहिशात का पैगाम जाम कमाल तक पहुँचाया। मुलाकात में वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने हुकूमत पंजाब के बहावलपुर डेजर्ट जीप रैली के इकदाम को सराहा और कहा कि जीप रैली से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज सामने आया है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के लोगों का कल्चर एक जैसा है। डॉक्टर अख्तर मलिक ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान का बहावलपुर आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब की सरहद और दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक ने वजीर आला बलोचिस्तान को एयरपोर्ट पर अलविदा भी किया। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने 27 साल बाद डेरा अड्डा से गैर कानूनी वैगन अड्डों की मुंतकली का फैसला मुल्तान दिलई इंतजामिया के हक में कर दिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक 27 साल तक दिलई इंतजामिया अदालत उज़्मा और अदालत आलिया में मुकदमात की पैरवी करती रही, जबकि डेरा अड्डा में कायम शालीमार, अल शहबाज और अल अब्बास वैगन स्टैंड के मालिकान शिफ्ट ना होने के बहाने ढूंढते रहे। इधर कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने हुक्म दिया है कि अदालत आलिया के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम अड्डों को जनरल बस स्टैंड में मुनासिब जगह दी जाएगी। डेरा अड्डा की अराजी के इर्द गिर्द खूबसूरत ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ बनाए जाएंगे। मुंतकिल होने वाले बस अड्डों को जनरल बस स्टैंड पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। दूसरी तरफ DC मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि डेरा अड्डा में कायम गैर कानूनी वैगन स्टैंड को शिफ्ट करना एक चैलेंज था। उन्होंने कहा कि शहरी इंतजामिया आबादी बढ़ने के बायस गल्ला मंडी, टिम्बर मार्केट और लोहा मंडी को भी शहर से बाहर शिफ्ट करने की मंसूबाबंदी कर रही है और सूबाई दारुल हुकूमत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुल्तान शहर के लिए प्लानिंग भी जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 एडिशन में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। कराची किंग्स के चैडविक वॉल्टन पाकिस्तान पहुंचने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर हैं। वेस्टइंडीज से ताल्लुक रखने वाले विकेट कीपर बैट्समैन जुमा की सुबह कराची पहुंचे। साबिक जनूबी अफ्रीकी सुपरस्टार हर्शल गिब्स और कॉलन इनग्राम भी कराची पहुंचने वाले आलमी खिलाड़ियों में शामिल हैं। दूसरी तरफ पेशावर जलमी के हेड कोच डेरेन सेमी और रवि बपारा हफ्ते को सुबह कराची पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि PSL का बाकायदा आगाज 20 फरवरी से कराची में होगा। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग सदरन पंजाब इंटरनेशनल टूर्नामेंट DHA मुल्तान में शुरू हो गया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक टूर्नामेंट से कबल ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब मुनक्कित की गई। स्क्वाश लीग में 32 नेशनल और 22 इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। कौमी तराना के बाद ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। इस मौका पर महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। मेगा स्पोर्ट्स इवेंट 19 फरवरी तक जारी रहेगा। तकरीब से BISL के चेयरमैन प्रिंस ऑफ कल्लात आगा उमर अहमद जई ने खिताब करते हुए कहा कि इवेंट से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में पंजाबियों पर हमले करने वाले बलोची नहीं बल्कि पाकिस्तान, पंजाब और बलोचिस्तान के दुश्मन हैं। हम बलोचिस्तान से मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर आए हैं। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मखसूस और बदलता ज़माना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इवेंट से पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम दुनिया में जाएगा।
बॉक्सियों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ी कायनात आमिर ने कहा कि स्कॉश लीग कौमी और बैन अलाक़वामी सतह पर स्कॉश को फरोग देने के लिए VISL के अजब का हकीकी मज़हर है। अभी तक मुल्तान की कोई भी मतलब ना लड़का है ना लड़कियां खेल रही है, तो उम्मीद है कि अगर ये प्लेयर्स को देखेंगी तो इनका टैलेंट जो है वो जागेगा और अगले जो टूर्नामेंट होगा उसमें मुल्तान की लड़कियां भी होंगी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन ऑफ द BSL टीम के उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, थैंक यू सो मच। इससे पहले काफ़ी शहर में कभी हैदराबाद कराची वगैरह लाहौर में काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हम लोगों ने। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और ये हमारे ब्रांड का चौथा ऑडिशन है जिसे हम आपके इधर सिटी में आके कर रहे हैं यानी मुल्तान में आके कर रहे हैं, और ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। इसमें हम 32 नेशनल प्लेयर्स को 20 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एंगेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेशनल प्लेयर्स के जो है वो इंटरनेशनल के साथ हों, ताकि हमारे नेशनल प्लेयर्स को जो एक मौका नहीं मिलता उन्हें अपने आप को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का, तो वो मौके उन्हें वो मौका जरूर मिलेगा इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद। दरी असना स्कॉश लीग में खिलाड़ियों के माबेन सख्त मुकाबले जारी हैं। आज होने वाले मुकाबलों में अना मुस्तफ़ा अजीज, नूरुल ऐन एजाज, ज़ैनब खान, साइमा शौकत, नूरुल हुदा ने कामयाबी हासिल की। इवेंट देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और इन्होंने इसे खेल के साथ शहर में समाजी और तफरीही सरगर्मियों के फरोग के लिए अहम जरिया करार दिया। शहरी हर अच्छी शॉट पर खिलाड़ियों को दाद भी देते रहे। तहरीक इंसाफ की लोधरा से सीनियर नायब सदर खवातीन विंग शाजिया जहूर ने मक्सियों से इंटरव्यू में कहा कि इनका सियासत में आने का मकसद है कि वो गरीब आवाम की मदद कर सकें। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी तारिक महमूद से। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर नायब सदर जिला लोधरा वुमेन विंग शाजिया जहूर साहबा के साथ हूँ और आज उनसे तफसीली गुफ्तगू के लिए जो है टाइम लिया गया है और खसूसी नशिस्त है। जी मैडम, आप हमें बताइएगा कि आपका सियासत में आने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सियासत में आने का मकसद यही है कि मैं गरीब आवाम की मदद कर सकूँ, उनका साथ दूँ, और जो बच्चियों और औरतों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है मैं उनका साथ दूँ, और उन्हें जो इंसाफ नहीं मिलता अदालतों और थानों के चक्कर खा के बेचारे थक जाते हैं, मैं उनका साथ दूंगी और उनकी आवाज़ बनूंगी इंशाल्लाह। जी मैडम, आप कितने अरसे से जो है सियासत में आई हैं? तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं जी। तो आप सियासत में जो आई हैं गरीब आवाम, और जो आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि आप जो बच्चियां जो घरों से भागी हुई हैं, घर से भाग जाती हैं, घरों से घर के जुल्म और ज़्यादती से जो बच्चियां घरों से निकल आती हैं या किसी और तरीके से वो मकसद किडनैप हो जाती हैं, उसके बारे में भी आपने कुछ खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसके बारे में हमें आप बताइएगा। जी मैंने औरतों के साथ हूँ, जो जिसके साथ जुल्म होगा मैं उसका साथ दूँगी और इंशाल्लाह मैं उनकी आवाज़ बनूँगी। काफ़ी औरतों के साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म होता है घर में, बाज़ुकात लोग एक तो गुर्बत से लोग तंग हैं, ऊपर से फिर ऐसे मार कुटाई मर्द जैसे बीवियों के साथ करता है इस तरह से, तो मैं इनका साथ दूंगी और आवाज़ बनूंगी इंशाल्लाह। जहां भी औरतों के साथ जुल्म होगा मैं उनका साथ ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। जी आपने सियासत में तो आप आई हैं, इसमें आपने PTI को ही ज्वाइन किया है, तो आया क्या ये प्लेटफॉर्म, आपको कैसा लगा इस प्लेटफॉर्म पर, आपने क्या महसूस कर रही हैं? ये जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब, इनकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इन्होंने आते ही हमारे जो रियासत मदीना, हमारे मुल्क को नाम दिया रियासत मदीना का हमारे पाकिस्तान को, एक तो इनकी ये आदत बहुत अच्छी है, ऊपर से ईमानदार लीडर है, ठीक है, महंगाई है ठीक है, सब तंग हैं, हम भी तंग हैं, लेकिन देख लें कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है मुल्क के ऊपर, तो कंट्रोल करने में टाइम तो लगेगा जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने शाजिया जहूर साहबा की सुनी बातें कि कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है मुल्क पर, जो सबका हुकूमतें थी वो मकसद इतना मुल्क को मकरूज़ कर गई हैं कि जैसे ही कर्ज़ा जो मकसद उतारने का टाइम आता है उसमें रुपए की कदर व कीमत जो है वो गिर जाती है, जिससे महंगाई जो है वो मकसद बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, अब चौधरी तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। जी चौधरी तारिक महमूद, मक्स न्यूज़ के रोड पक्का। पारा चिनार का सरताज अली खुद इलाके के लिए मिसाल बन गया है। जिस्मानी माधूरी के बावजूद वो दूसरे गरीबों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने में मसरूफ नज़र आता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कदम अली। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से हर शहरी परेशान है, ऐसे में गरीब मजदूर और मजदूर अफराद के लिए मुश्किल में और भी इजाफा हो जाता है।
मगर पाचिनार का सरताज अली जो खुद भी मुकम्मल जिस्मानी मजदूर है और इलाके में सामाजिक कारकुन की हैसियत से बेरोजगारों गरीबों के लिए रोजगार की फरहम के लिए कुशा है। सरताज अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 30 गरीब बेरोजगारों को हाथ लीड़ी देकर उनको रोजगार फरहम किया। आज आप लोगों ने देख लिए कि हमारी तरफ से 30 बंदों को रोजगार मिल गया है। तो आए हमारे मुल्क में इसी तरह बेचारे लोग है कि इन लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा मदद करें तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा से बहुत कुछ बन सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम सरताज की भरपूर मदद करें और हमारे पीटीआई हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो सरताज की भरपूर मदद करें क्योंकि ये मजदूरी की हालत में लोगों की मदद। सरताज अली जैसे अपराध माशरे में दूसरों के लिए मिसाल बने हुए है। कदम अली मक्स न्यूज पाड़ा चिनार। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, एसएम फूड्स एंड वोल्का फूड्स इंटरनेशनल।